आपको मैं बता दूं कि यहाँ शौर्य का बर्थडे भी है। तो हम आपको बताएं, आज मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, मैं सच बोलूंगी। ठीक है, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और देख सकते हैं, चेहरा देख के ही लग रहा होगा कि हम सो के उठे हैं। ओरिजिनल फेस आप देख लो, मेकअप वाला फेस तो देख ही लेते हो कभी कभी। और यहाँ पे देख लो, बैठी हुई है, मेरा ना दिखाया करो। ये बोल रही है कि मेरा ना दिखाया करो। देख लो, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा ना दिखाया करो, और आधे लोग आकर देखो यही कहते हैं, घर के मुर्गी दाल बराबर है ना, एक कहावत कही गई है। जब इंसान घर का होता है तो घर के लोग कहते हैं मेरा ना दिखाया करो भाभी, और जो लोग बाहर के रहते कहते हैं सृष्टि भाभी एक फ़ोटो खिंचा लो, सृष्टि दीदी एक फ़ोटो खिंचा लो। ये हाल है, देख लो, इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी, सोचो। मतलब इसे कहते नहीं कि मतलब लोटा में डुबोए डुबोए बेइज्जती, मतलब ये हाल है। मतलब सोच लो कि अगर आप मेरी कंडीशन देख लो, ये लोग कहते हैं ना कि ब्लॉगिंग करते हो तो लोगों को नहीं दिखाते, लोगों ने ऐसे लोगों के चक्कर में मैं कैमरे पे नहीं लेती हूँ। ये देखो, ऐसे ऐसे कहीं जैसे मेरे घर में कोई आएगा, मुझे मत लेना कैमरे पे, मुझे मत लेना कैमरे पे, मगर मैं भी ढीठ टाइप की हूँ। मैं भी ढीठ टाइप की हूँ, मैंने लेना है तो लेना है, चाहे जो जाए। तो इस तरीके से चल रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा काम है, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे अपना सारा काम निपटाते हुए और दीदी विदा लेते हुए और यहाँ पे मैं खाना चढ़ा चुकी हूँ, खाना बन रहा है और पंचायत चालू है, दोनों चीज़ चल रही है। और शुभम, तो तुमको घर जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है। और यहाँ पे जो शुभम है वो गेम खेल रहे हैं, यही 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 ये बर्बादी है, बर्बादी। तो सुधरने का नाम नहीं है, सुधरोगे नहीं तुम, कुछ भी हो जाए सुधरोगे नहीं ना, सुधरने वाला काम नहीं है कि सुधर जाओगे। तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, नहीं गंदे बच्चे हो। तो चलो, इनको गंदा बच्चा बना रहने दो और मैं चलती हूँ थोड़ा सा और काम निपटाने के लिए। तो जा रहे थे आगे का काम करने के लिए, मगर अब पार्लर में कस्टमर आ गए हैं। तो देखो, पार्लर घर में रहने का क्या फ़ायदा होता है? देखो फायदे, आज मैं आपको बहुत ढेर सारे फायदे आज आपको गिराऊंगी कि मतलब एक औरत को घर में अगर वो काम करती तो क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, जैसे कि मैं अभी सो के उठी हूँ, ठीक है ना, तो जैसे आपको पता है कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, झल्ली बल्ली बनी हुई हूँ, ठीक है। पर घर में कोई आ गया तो मैं उसको भी डील कर रही हूँ, प्लस वहाँ मेरा खाना भी चढ़ा है। अब पार्लर में कस्टमर आ गए हैं तो वो जो मेरा बेटा गया है वो क्या बोलते हैं, एसी उसी चलाने के लिए, और वो बैठा दिया है। और अभी अभी बच्चों से कह देंगे तो वो पानी भी ले जाके रख देंगे पार्लर में, ठीक है। उसके बाद अब हम आराम से जाएंगे, फेशियल वेशल करेंगे। तो आप अगर अभी मेरा ये पार्लर बाहर का होता तो मुझे क्या करना पड़ता, जल्दी जल्दी सारे सामान को समेट, सारे काम को समेटना पड़ता, और 9:30 बजे तक मुझे अपनी शॉप पर जाना होता। तैयार हो के आप अपने घर में अगर बिजनेस करती हैं, मतलब महिलाएं करती हैं, तो अपना परिवार भी चलता है, घर में भी काम चलता रहता है, कोई मिलने आता तो उससे भी मुलाकात हो जाती है। तो मतलब बहुत आपको रेडी होने की ज़रूरत नहीं होती, चलो थोड़ा इधर उधर भी है तो चल जाता है, काम चल जाता है। तो अब मैं इसी हाल में, जिस हाल में हूँ बहरहाल, इसी हाल में जाऊँगी मैं, फेशियल करूँगी, थ्रेडिंग करूँगी। और भी कस्टमर आए हैं, 2-3 कस्टमर आए हैं, तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो सब इंतजार कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों से साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मतलब ये भी एक फ़ायदा ही है समझो, मतलब आज आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मैं घर में बिजनेस के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से चल रहा है। अच्छा, मेरा जानती क्या है, मेरा एक प्रॉब्लम है ये कह सकते हैं, या चाहे जो भी कुछ कह सकते हैं, मुझे परिवार से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ पे सब लोग रहें, तो मुझे इस वजह से मैं कभी भी अपनी शॉप को, मेरी अपनी खुद की शॉप, मतलब मेरे घर से थोड़ी देर एक चौराहा है मृतापुर, वहाँ पर मेरी अपनी शॉप है, मतलब मैं शॉप लेकर के छोड़ दिया है कि आगे चल के बच्चे कभी बिजनेस करना चाहेंगे तो करेंगे। मगर मैं आपको रियल बता रही हूँ, मैं चाहती तो शॉप पर भी पार्लर खोल सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं खोली हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं, मुझे मतलब मुझे घर ही सारा काम अच्छा लगता है, और मुझे परिवार के साथ रह के ही पैसे कमाना पसंद है। और इत्तेफाक भगवान ने भी ऐसा ही किया हुआ है कि मैं घर से ही सारा मतलब अर्निंग कर रही हूँ। तो मुझे सुबह सुबह तैयार होके निकलना, और रात में 8-8:30 बजे, अगर पार्लर का काम है तो 8-8:30 बजे भी छुट्टी नहीं, अगर लगन सीजन है, वेडिंग सीजन है, तो 10:30 या 11 बजे तक आपको पार्लर खोल के रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं, और घर का काम भी इस तरह चलता है। तो मुझे लगता है 4 कस्टमर कम आए, पर घर में बिजनेस होना चाहिए औरतों के लिए। तो अच्छा चल रहा है। तो बहरहाल अब मैं जा रही हूँ पार्लर में और अपना काम निपटाने के लिए, और फिर मिलती हूँ पार्लर का काम निपटाने के बाद।
ब्लाउज पर रहा तो ही ले जाएं हम कहीं काम मिल जाए। अच्छा यहाँ सिलने के लिए दिए थे हम काम करे कर हम कहीं को मिल जाए। काल की नहीं करी अब तुम मेरी की है। चलो जी देखते ही देखते पार्लर का काम यहाँ निपट चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं पति देव जमीन पे बैठे क्यों हैं। आपको बताएं क्या कर रहे हो बताओ। यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। ये निगरानी कर रहे हैं और किसकी निगरानी कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा। एक चोरनी बैठी है। एक चोरनी बैठी है फिराक में है चोरी के इसलिए उसकी निगरानी में कि कहीं मतलब ये मेरे हस्बैंड ना चोर पकड़ने में माहिर है आपको मैं बता दूं है ना। बहुत तगड़े से ये एकदम दांत धरे बैठी हुई है। ये देखो तो ये है वो चोरनी दिख रही है ना आपको इनका ये पूसी पूसी इसके नीचे पता नहीं आप लोग को दिख पा रही है कि नहीं। रुको ऐसे ही देख लो आप लोग ठीक है। तो ये बैठी हुई है और ये मेरे हस्बैंड जी से डरती है मतलब ये इनसे डरती है और ये इनकी गोदी किचन में दूध बॉयल करके रखा हुआ है तो इसको अभी फ्रिज में बराबर नहीं रख सकते ना तो ये तब से ये तलाश में है कि जैसे हम हटे यहाँ से तो ये दूध पी जाए। वैसे वो भगोने का दूध नहीं पीती गलत उसको इल्जाम लगा रहे हो तुम। आपको बताएं आज मैं सच कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी मैं सच बोलूंगी ठीक है। ये जो है मतलब वो पूसी जो है पूसी इनसे नहीं डरती है ये पूसी से डरती है। क्या बताएं जब इसको इसके पास जाती तो ऐसे करती मतलब लेकिन ये दुल्हन नहीं डरती बिल्कुल। दुल्हन तो है करती ना तो पकड़ के मुंह खींच लेती है उसका कहती है कि है बाद में करना लेकिन हमें डर लगती है पंजा मार ना दे ऐसे कुछ ना तो मैं दूर से इसको निगरानी रखे हुए अभी इनका अगर ये होती हमारी जगह पे तो ये पकड़ लेती इसकी गर्दन पकड़ खींच लेती। इस तरीके से ये डरपोक पति देव है मेरे और इस तरीके से ये डरते हैं सोचिए कि मतलब ये डरने वाली चीज है। भाग लेंगे इतनी बड़ी शरीर है बताओ उसको दूध देने के बाद भाग लेते हैं वहाँ से भाई तो पूसी तो निकलेंगी नहीं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ शौर्य का बर्थडे भी है और सौर का जो बर्थडे है आप लोग सोचोगे कि कब बर्थडे है तो सौर का बर्थडे आने वाला है जल्दी ही आने वाला है और कुछ कपड़े भी लेने हैं उनके लिए क्योंकि उनके पास समय कपड़े नहीं है रो रहे हैं कि मम्मी कपड़े दिला दो कपड़े दिला दो तो सोचे अगर आज टाइम रहा तो कपड़े दिला देंगे और नहीं तो फिर अगर आज नहीं निकल पाए तो फिर कल परसों में जाएंगे कपड़े तो उनको दिलाने ही दिलाना है। और शौर्य के बर्थडे का जो भी पूरी जो भी मतलब जो भी कुछ होगा जो भी जाए कब है कब नहीं है मैं आप लोगों को सब ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगी। और बहरहाल अभी तो कि ये ब्लॉग अभी यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इसी तरीके से अपना प्यार अपना कृपा मेरे चैनल पे बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच।